एक समय था जब मैट्रिक के बाद इंटर की पढ़ाई के लिए छात्रों को शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन आज गांव में ही रहकर बच्चे इंटर की बोर्ड में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसका जीता जागता मिसाल बना है कुंदन कॉमर्स क्लासेज सहरघाट का बच्चों का, जहां 100% सफलता आया है। रिजल्ट के बाद बच्चे, अभिभावक व शिक्षकों के चेहरे पर खुशी साफ तौर से झलक रही है। इसी संस्था की छात्रा रंगीला कुमारी पिछले वर्ष पूरे बिहार में टॉप 10 में जगह बना पाई थी। बताते चले कि कुंदन कॉमर्स क्लासेज के रामजी कुमार 442 अंक लाकर पूरे जिले में 15वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं सितेश दास 426, विकास कुमार 424, विपिन कुमार 422, सुमन कुमारी 411 अंक लाकर बेहतर प्रदर्शन किया है। इस संस्था के कुल 30 बच्चे ने भी सर्वाधिक अंक लाकर संस्था का मान बढ़ाया है। सभी सफल छात्र छात्राओं को मेडल देकर उत्साहित किया गया और आगामी भविष्य के सुनहरे होने का शुभकामनाएं भी दिया गया। जानकारी देते हुए डायरेक्टर कुंदन कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास व शिक्षा का हब बनाना ही हमारा मकसद है। वाणिज्य के माध्यम से बड़े सेक्टर में भविष्य तलाशा जा सकता है, इसलिए बच्चों में बेहतर शिक्षा देना ही हमारा लक्ष्य है। मौके पर छात्र छात्रा के अलावे अभिभावक गण भी मौजूद थे। छोटे से गांव बलसा से बिलोंग, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मैं अब कुंदन सर के यहां 2 साल पहले से पढ़ा हूं, 11वीं और 12वीं। दोनों में कुंदन सर का काफ़ी सपोर्ट रहा, मेरे बहन विभा कुमारी उसका भी काफ़ी सपोर्ट रहा, साथ साथ मेरे परिवार का भी बहुत सारा सपोर्ट रहा। और कुंदन सर इससे अगली बार भी बिहार टॉपर में एक छात्रा जा चुकी है, जिसका नाम है देना है रंगीला कुमारी, जो थी इससे पहली बार यानी 2021 बोर्ड परीक्षा में टॉपर में चयनित की गई थी। और कुंदन सर इस बार भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता, लेकिन हुआ क्या जो इस बार बिहार बोर्ड मेरा मार्क है। सब्जेक्ट कौन था? कॉमर्स। आगे क्या प्लानिंग है कॉमर्स करने के, जो सब्जेक्ट चुनी है आगे का प्लानिंग क्या है? बैंकिंग करने का। और कौन सा कॉलेज से थी? सीपीसी कॉलेज बोर्ड। कितना मेहनत जो तुम्हारा किसका उस पर था जो तुम मेहनत ना करके अपना लाई है? इसका स्नेह किनको देना चाहोगी जो इतना? और अपने मम्मी पापा के बारे में क्या? मैं कुछ सहयोग हुआ होगा ना तुम्हारे मम्मी पापा का? नाम क्या है? कैसे मतलब आपको लगा कि क्वेश्चन जब मिला था आपको इंटर का, तो कैसा लगा उसमें? ऐसा लग रहा था जब सर मुझको पढ़ाया था तो मैं अच्छा फील कर रहा था कि सर के पास से जो भी पढ़ाए हुए सब अच्छा अच्छा जगह मिल रहा था, इसलिए मैं अच्छा जगह बनाया था। कुछ ऐसा आपको एग्जाम के दरमियान लगा होगा कि भारी कोई सवाल? भारी बट एक में लगा था जो इंग्लिश था, तो इतना मेहनत नहीं किया था। आपका गाइडलाइन कहाँ से मिल रहा था? जो मेरा गाइडलाइन सबसे पहले मेरा कुंदन सर क्लासेस से हूँ, जो कुंदन सर हमको बहुत अच्छा गाइड किया था। जब भी हमको जरूरी पड़ रहा था पढ़ाई लिखाई में, तो हम सबको कॉल किए थे और ये बार बार बता रहा था ऐसा करो वैसा करो। और आपके घर में जो है किनको किनको आप? मेरे घर में सबसे पहले मेरा फादर है जो बहुत सपोर्ट कर रहा था, इसके साथ मेरा घर के सब ऑल परिवार जो है बहुत सपोर्ट किया था, इसके साथ मेरा सर भी बहुत सपोर्ट किया था। आगे क्या है प्लानिंग जो आप बनना चाहते हैं? आगे जो है जो हमको BBA के साथ MBA करना चाहते हैं। क्या नाम है? MD9 साल। 411। उसमें क्या लगा तुम जो 411 की संतुष्ट है या फिर और आना चाहिए कुछ ऐसा लगा? 411 नंबर मतलब सब सब्जेक्ट में ठीक है, और इंग्लिश में जो है जो इंग्लिश कुंदन कॉमर्स क्लास में पढ़ती थी और इंग्लिश भाई जी का सब्जेक्ट नहीं था और इंग्लिश क्लास अलग से मैं नहीं की थी, इसलिए इंग्लिश में कम मार्क आया, इसीलिए 411 पढ़िए और इससे ज़्यादा अंक आते और इंग्लिश में अगर ज़्यादा मार्क आते। अच्छा, कॉमर्स में तुमको ऐसा कौन सा विषय लगा जो मार्क तुम्हारा जो इतना कम रह गया जो सोच रही थी कि? और इंग्लिश। आगे के क्या प्लानिंग है तुम्हारा जो बनना चाहती है? आगे मैं CA बनूँगी। और मम्मी पापा का क्या सपोर्ट रहा तुम्हारा अभी तक जो जिंदगी इंटर की थी? मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा, पापा मम्मी बहुत ही कहते थे कि पढ़ने अच्छा से पढ़ने के लिए और अच्छा मार्क्स लाने। कितना मेहनत करती थी घर पर? मैं घर पर भाई जी के अलावा जैसे भाई जी बोलते थे वैसे पढ़ती थी, और भाई जी के अलावा मतलब कोचिंग के अलावा घर पर बहुत मेहनत करती थी। और अपने जो आने वाले जो है जो तो अब तो तुम 12वीं के बाद चली जाएगी BA में, तो जो 12वीं की बच्ची है उसको क्या कहना चाहोगे? उसको मैं यही कहना चाहूँगी कि अच्छे से पढ़े, भाई जी जो बोलते हैं उसको ध्यान में रखते हुए अच्छे से पढ़े और आगे ज़्यादा मेहनत करके हम लोगों से ज़्यादा मतलब इस बार से ज़्यादा
नंबर आ गया है। क्या नाम है तुम्हारा? सुमन कुमार। मतलब कितना अंक लाया? मेरा अंक है इंटर का 426। और आगे क्या पढ़ाई का क्या है और कहाँ से किए हो? पढ़ाई हम कुंदन कॉमर्स क्लासेस से किए हैं जो कि सारघाट और बोधर से बिलोंग करता है। और आगे का मेरा ड्रीम है मतलब सीए का। सीए। उसके बाद यहाँ जो इतना तक मेहनत करके तुम इतना अंक लाए हो, इसके किसके पीछे तुम्हारा जो है ना कौन सा ऐसा है जो गाइड लाइन तुमको अच्छे से किए? सबसे पहले सेफ तो मैं कुंदन सर को देंगे क्योंकि मतलब हमेशा मतलब सहयोग करते थे और पापा मम्मी को भी देंगे। और अपने जो आने वाले पीढ़ी है गांव में उनको क्या कहना चाहोगे? उनको यही कहना चाहेंगे कि तो अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई करें और माँ पापा का और टीचर की बातों को फॉलो करें। क्या नाम है? शेष कुमार दास। सबसे पहले मधुबनी न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम लोग के पास पहुँचे। और साथ ही साथ होली का समय है तो सभी क्षेत्रवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, मैं लगातार 10 वर्षों से एक छोटे से शहर सहारघाट और बोरहर कॉलेज गेट के ठीक सामने मैं कॉमर्स क्लास चलाता हूं, कुंदन कॉमर्स क्लासेस के नाम से, जिनका मैं निदेशक हूं। और इस बार जो रिजल्ट रहा है तो मेरा एक राम स्टूडेंट है जिन्होंने 442 नंबर लाकर डिस्ट्रिक्ट में 15वां स्थान हासिल किया, जो कि बहुत खुशी की बात है। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि लगातार मैं 10 वर्षों से जिस प्रकार से छोटे से शहर में मेहनत करता हूँ, पिछले साल भी मेरे कोचिंग संस्थान से रंगीला कुमारी ने बिहार बोर्ड में टॉपर लिस्ट में चयनित हुई थी। और इस प्रकार से मैं हमेशा जितना मेहनत करता हूँ उसका परिणाम है जो आज के डेट में अपने एरिया में जो भी क्षेत्र है मेरा उसमें सबसे अधिक अंक हासिल करने में मैं सफल हुआ हूँ, जिसके लिए मैं अपने छात्रों छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरी बातों पर अधिक से अधिक मेहनत किए और जिसका परिणाम आप लोग के सामने में है। मेरे संस्थान से कुल 30+ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि 400 से अधिक अंक हासिल किए हैं और उम्मीद रखता हूं कि आने वाले समय में भी अधिक से अधिक मेहनत करके सभी छात्र और छात्राओं के बीच ताकि इससे भी बेहतर हो और अच्छा मुकाम पे मैं भी पहुंचूं और मेरा छात्र और छात्राएं भी पहुंचें। लेकिन पहले तो आप भी सुनते हुइएगा कि गांव में जो है ना लोग कॉमर्स नहीं रखता है, लेकिन इस सुदूर गांव में आपने कॉमर्स का कोचिंग चलवा रहे हैं, इससे बच्चों और गार्जियन में क्या लग रहा है कि वो बढ़ रही है? जी देखिए, पहले जब हम लोग भी यहाँ पर मतलब जब कॉमर्स में अपना एडमिशन लिए थे तो इस एरिया में कहीं क्लास नहीं था तो हम लोग को मधुबनी जाना पड़ा। तो बाद में देखें कि इस एरिया में स्टूडेंट्स को बहुत सारा प्रॉब्लम उठाना पड़ता है क्योंकि सबका आर्थिक स्थिति सही नहीं रहता था। जिन लोगों का आर्थिक स्थिति सही है वो ठीक है, दरभंगा पटना मधुबनी जाएगा, लेकिन जिन लोगों का आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं था तो उन लोगों के लिए मैंने प्रयास किया कि एक छोटे से शहर में ही एक बेहतर संस्थान दूँ ताकि स्टूडेंट्स अधिक से अधिक मेहनत करें और उन लोगों का भी जो सपना हो वो साकार हो सके। ये कोचिंग कहाँ पर अवस्थित है? ये सहारघाट सरदार चौक के पास है, नियर SBI है और एक मेरा ब्रांच CPP कॉलेज गेट के ठीक सामने है बोरहर में। दोनों जगह मैं लगातार 10 वर्षों से इस लाइन में मेहनत कर रहा हूँ कॉमर्स के क्षेत्र में। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।